अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम तीन ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो सवाल हमारे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नौजवानों को पूछा जाता है और उन्हें गुमराह किया जाता है। नंबर वन, सबसे पहला सवाल ये है कि मीलाद क्या है, और जब वो मीलाद का डिफिनेशन जान लेते हैं तो फिर उसके बाद वो ये पूछते हैं कि मीलाद सबसे पहले किसने मनाया, और जब इसे जान लेते हैं और जब कोई रास्ता नहीं रहता है तो फिर ये पूछते हैं कि आप जो इस तरीके से जो मीलाद मनाते हो, मतलब कि झंडे लगाते हो, जुलूस में जाते हो, तो ये क्या सुन्नत है, वाजिब है या फ़र्ज है। फिर उसके बाद जब उन लोगों का दिल इस पर भी मुतमईन नहीं होता है तो वो ये पूछ बैठते हैं कि भाई, इस दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ारे फ़ानी से रुपोश कर गए, मतलब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो आपको इस दिन सोग मनाने के बजाय, गम मनाने के बजाय आप खुशी क्यों मनाते हो। ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, जिस सवाल का जवाब जो है हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को नहीं आता है और फिर उसके बाद वो यहाँ फंस जाते हैं। लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तीनों सवाल का माकूल जवाब देंगे। लिहाजा आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको इन तीनों सवाल का मुकम्मल जवाब मिल जाए दलील की रोशनी में। और इस वीडियो को तमाम दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करना, ये मीलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, ये मीलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सदका व खैरात करना, ये मीलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए महाफिल जमा करके उनकी मिदहत बयान फरमाना, ये मीलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खातिर रोज़े रखना, ये मीलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए आप किसी को मदद कर रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, नंगे को कपड़ा पहना रहे हैं, और जिन्हें माल नहीं है उनकी माल से मदद कर रहे हैं, ये मीलाद है। अब बात यह है कि अगर ये मीलाद है तो जुलूस क्यों निकालते हैं और झंडे क्यों लगाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आज के इस दौर में जिस तरीके से मीलाद मनाया जाता है, मतलब जुलूस निकालना और झंडे लगाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुलूस नहीं निकाला जाता था जिस तरीके से आज मुरव्वजा जुलूस निकाला जाता है। तो अब ये सवाल करना कि आप क्यों करते हो, देखिए जुलूस निकालना या झंडे लगाना ये मुस्तहब है। इस तरीके से मुरव्वजा मीलाद मनाना मुस्तहब है। अगर कोई शख्स जुलूस में नहीं जाता है तो उसको ये भी हक नहीं है कि वो जुलूस से रोके, उसको ये भी हक नहीं है कि उसे जो है गलत बोले, इसलिए कि ये एक तरीका है मीलाद मनाने का। जिस तरीके से आप रोज़ा रख रहे हैं, जिस तरीके से आप दुरूद ही पढ़ रहे हैं और मीलाद मना रहे हैं, उसी तरीके से जुलूस में जाना ये भी मीलाद मनाने का एक हिस्सा है। अब ये सवाल करना कि मीलाद सबसे पहले किसने मनाया था, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले मीलाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी जो है अपनी पैदाइश का मीलाद मनाया है। जब सहाबा इकराम ने पूछा कि आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसी दिन पैदा किया गया, और मैं इसी दिन और मेरी बेअसत इसी दिन हुई, और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल फरमाया गया, इसी वजह से मैं जो है इस दिन रोज़ा रखता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस दिन जो है अपनी पैदाइश का मीलाद मनाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मीलाद मनाया तो हम उनके चाहने वाले, हम उनके उम्मती, हम क्यों नहीं मीलाद मना सकते। अब बात रही ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी से इस दिन 12 रबीउल अव्वल को कूच फरमाए, तो आप इस दिन खुशी क्यों मनाते हैं, आप गम क्यों नहीं करते, आप गम क्यों नहीं मनाते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको कितने ही ऐसे दिन मिल जाएंगे कि जिस दिन खुशी भी है और गम भी है, लेकिन उसमें जो है अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस दिन खुशी मनाओ। एग्जांपल के तौर पे जुमे का दिन,
अब इसका क्या डिफिनेशन है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि सोग मनाना मतलब गम मनाना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है, और औरतों के लिए अपने शौहर का सोग मनाना वो एक अलग बात है, वो 4 महीना जो 10 दिन है तो वो एक अलग बात है, लेकिन सोग मनाना गम मनाना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब मैं आपको ये बताता चलूं कि एक ही दिन में पैदाइश भी है और एक ही दिन में वफात भी है, लेकिन उस दिन खुशी का दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन? वो जुमे का दिन है। अब वो कैसे है? इसलिए है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए और इसी दिन इस दारे फानी से जो है कूच फरमा गए, और इसी दिन ज़ाहरी तौर पर वो जो है इंतकाल फरमा गए। अब हमारे जद्दे अमजद हम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का दिन आपके लिए ईद का दिन है, खुशी का दिन है। तो हाँ, अगर आपको गम ही मनाना है तो हम लोग जैसे आप जुलूस निकालते हैं, अगर आपको गम ही मनाना है तो आप गम तो सही से मनाओ, आप तो गम भी नहीं मनाते, आप तो मनहूस की तरह बैठ जाते हैं और आपको तकलीफ होने लगती है कि झंडे क्यों लगाए हैं, लाइटें क्यों लगाए हैं। अरे भाई साहब, आपके घर में बेटा पैदा होता है तो आप पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटते हो, आपको किसी चीज़ में कामयाबी मिलती है तो आप पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटते हो, और फिर उसके बाद जो है बड़ी खुशी मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, और आपके बच्चों का जब जन्मदिन आता है तो बहुत सारे लोगों को आप इन्वाइट करते हो, दावत देते हो और केक काटते हो। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब यौम पैदाइश आए तो हम क्यों ना मीलाद मनाएं। और सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि मीलाद मनाना यह कोई एक खास इबादत नहीं है, मीलाद इंसान हर वक्त हर पल हर दिन हर महीने हर साल मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना यह भी मीलाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका व खैरात करना यह भी मीलाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोज़ा रखना यह भी मीलाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना यह भी मीलाद है। तो आप अगर गम मनाना चाहते हैं तो ऐसा किया करें आप कि जब जुलूस निकले तो आप फटा पुराना कपड़ा पहन करके और रोते हुए जो है घर से बाहर निकलें, और जब जुलूस निकले तो आप दरवाजे पे खड़े हो जाएं और आप रोते रहें। आप इस तरीके से भी तो नहीं करते, आपको जलन होती है, हसद होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।